नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको दिखा रहे हैं एक बुलेट है। बुलेट की शेप में ही जो इन्होंने कल्टीवेटर चलाने वाला या रूट जो भी आपको मतलब पीछे इम्प्लीमेंट चलाने हैं कृषि में जोतने जुताई करने के लिए अपने खेतों के अंदर, वो इम्प्लीमेंट बनाए हैं। एक उधर भी खड़ी हुई है और ये मिनी ट्रैक्टर है। इसके बाद और भी मिनी ट्रैक्टर है। इसका स्टेयरिंग आप देख सकते हैं किस तरीके का स्टेयरिंग है। तो हमारे सर ओनर हमारे साथ हैं, ये गुजरात राजकोट से हैं। तो सर एक बार अपनी कंपनी का हमारे किसान भाइयों को छोटा सा परिचय कराइए जी। ये हमारी कंपनी डीके डीजल है जी, गुजरात राजकोट से, वहाँ हमारा मैन्युफैक्चर है। अच्छा सर, जैसे कि आपने ये इम्प्लीमेंट बनाया एक तरीके से, हमें लग रहा है कि ये बुलेट है बिल्कुल, तो आपने ये किस तरीके डिजाइन करा, इसमें कितने सीसी का इंजन लगाया, क्या क्या ये कार्य कर सकता है हमारे किसान के? इसमें 10 SP का इंजन है और डीजल है, 1 घंटे में 1 लीटर खाता है। 1 घंटे में 1 लीटर डीजल इंजन 10 HP का। 10 HP का, ठीक है सर। ये जो मिनी ट्रैक्टर है ना जी सर, उसके हिसाब से जो मिनी ट्रैक्टर काम करता है वो सब ये काम करेगा। अच्छा, वो सब काम करेगा, ये काम करेगा। तो इसकी जो अगर पीछे की बात करें सर, जैसे कि हम देख सकते हैं बैटरी भी आपने लगाई है। बैटरी दी। ये गियर बॉक्स किस तरीके का लगाया है सर आपने इसमें? गियर बॉक्स है मतलब इसमें तीन गियर और एक रिवर्स, एक तीन गियर है और एक रिवर्स है। इसमें वो जो हाईलो भी आएगा। अच्छा, वो उधर वाला जो हाईलो में भी है उसके बारे में बात करेंगे एक बार, जो उसके पीछे से देख लेते हैं इसमें। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी होने वाली है सर? मैक्सिमम स्पीड है 20 रोड पे। खेत में तो क्योंकि मंदा ही चलता है, जब मंदा ही चलाना है हमें, तो इसके पीछे से एक बार बताइए किसी हाइड्रोलिक के साथ हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं सर? हाइड्रोलिक के साथ सब कुछ इम्प्लीमेंट सब लग सकता है। रोटर नहीं चलेगा, बस रोटर नहीं चलेगा इसमें, बाकी जो खींचने वाले इम्प्लीमेंट होते हैं सब चलेगा। वो छोटे इम्प्लीमेंट इसके बनेंगे, और उसके बाद हम उसे चला सकते हैं। जैसे कि छोटा फाली का कल्टीवेटर होगा, 3 फाली का चलाएगा सर? चलेगा 5 का भी चलेगा, 3 का भी चलेगा। अच्छा, 5 फाली तक का हम चला सकते हैं इसके अंदर। हैरो वगैरह भी चला सकते हैं, छोटी हैरो बनवा के। तो ट्रॉली पीछे जोड़ सकते हैं, छोटी ट्रॉली जो होती है, छोटी ट्रॉली जोड़ सकते हैं। ये नीचे इन्होंने हिच भी दिया हुआ है, इसके अंदर नीचे छोटी ट्रॉली भी जोड़ सकते हैं। और सर जैसे कि इसकी बात करें सर्विसिंग की, तो इसकी हम जो कितने घंटे में सर्विस कराते हैं सर इसकी? उसमें मेंटेनेंस कम है, सर्विस करने के सर्विस में इसमें बहुत कम है। मतलब कितने घंटे पे हम इसकी सर्विस करा सकते हैं? इसमें घंटे के, इसमें घंटे का मीटर नहीं आता, इसलिए डीजल के हिसाब से करनी पड़ती है। अच्छा, जो मतलब जो हम डीजल इंजन हमारे नॉर्मल सर्विस करते हैं उसी के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें पीछे ऑयल वगैरह आते हैं, सब कुछ है। और इसके बारे में बताइए, ये इससे कैसे एडवांस है, इसमें क्या चीज़ फालतू लगाई गई है इससे? इसमें जुगाड़ वाला है गियर, इससे गियर में तो चेंजेस है, यानी इसमें 5 गियर और रिवर्स दिया है, 1 रिवर्स दिया, इसमें 3 एक रिवर्स दिया था। इसमें हाईलो नहीं आएगा। अच्छा, इसमें हाईलो नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसमें हाईलो आएगा, इसमें हाईलो आएगा, इसमें हाईलो नहीं आएगा। साइड में देख सकते हैं लीवर भी इधर साइड में इसका दिया हुआ है, ये इसके अंदर इसमें क्लच है और इधर की तरफ ब्रेक है, ये देख सकते हैं इसमें ब्रेक दिए हुए हैं। ये इसकी रेस है, इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम भी है इसके अंदर, ये देख सकते हैं। इसमें सिंगल लिफ्ट हाइड्रोलिक दी गई है। अच्छा, सिंगल डबल लिफ्ट है इसमें, लिफ्ट हो, इसमें डबल लिफ्ट ड्राप कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक है, इसमें सिंगल लिफ्ट वाली है। अच्छा, इसमें सिंगल लिफ्ट वाली है। तो कीमत यानी कि इसकी कम होने वाली है और इसकी ज़्यादा होने वाली है, 1,90,000, 1,40,000 एडवांस में। और सर इसकी गारंटी क्या देते हैं सर आप? क्या गारंटी कुछ नहीं है, वारंटी मिलती है जी सर। कितने दिन की वारंटी मिलती है सर? वो 6 महीने की। 6 महीने की वारंटी मिलती है, किस किस चीज़ की देते हैं मतलब? तो इसमें वायरिंग, रबर पार्ट, सेल्फ, वो सब की वारंटी नहीं आती है, बाकी सब गियर में जो से वो सब वारंटी आती है। अगर कोई हमारे किसान जैसे ऐसे देखते हैं, तो अगर वो कोई किसान भाई से मंगाना चाहे तो वो किस तरीके से संपर्क कर सकता है? कोई नंबर आप देंगे? वो नंबर हमारा देता हूँ मैं, दे वो नंबर दे। एक बार पर्चा दिखा देते हैं सर, इसमें आप सभी किसान भाई देख सकते हैं, ये इनका पर्चा है और ये इधर की तरफ इसमें नंबर दिया हुआ है, इसमें आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट लेकर। और इसके बाद सर आप जो ये इधर वाले इम्प्लीमेंट है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दीजिए। तो किसान भाइयों इसके बारे में एक बार और जान लेते हैं, मिनी ट्रैक्टर छोटा है, इसमें आगे इन्होंने सिंगल टायर दिया हुआ है इसके अंदर। तो सर इसमें जैसे आपने सिंगल टायर लगाया तो इसका क्या फ़ायदा है? मल्टी टूल बार में आएगा इसलिए। अच्छा जी, ट्रैक्टर में नहीं आता, मशीन में आता है, ये मशीन के अंदर आएगा। और इसकी जो कीमत रखी हुई है इन्होंने 2,35,000, मिनी ट्रैक्टर है, तो ये भी वही सेम कार्य कर सकता है जो कल्टीवेटर वगैरह है, रो है, ट्राली है छोटी,
इसमें रोटावेटर चल सकता है, इसमें छोटा हम रोटावेटर भी चला सकते हैं 5 फीट का, यानी कि ट्रेंच वगैरह जो किसान भाई लगाते हैं उसके अंदर चला सकते हैं। बैटरी इसमें आधी गई है, इसमें भी 3 स्पीड गियर है पीछे का, एक बैक गियर भी दिया हुआ है इसके अंदर, ये भी डीजल इंजन के अंदर ही आता है। इसकी क्या खपत है सर एक घंटे के अंदर? एक घंटे में 1 लीटर है, 11 HP का, ये 11 HP का जो इसमें इंजन दिया गया है, 1 घंटे में 1 लीटर डीजल लेता है। इधर क्लिच, उधर ब्रेक, रेस वगैरह सब कुछ ट्रैक्टर की तरह ऊपर से बनाया गया एक तरीके से, और पीछे से एक बार हाइड्रोलिक भी इसकी देख लेते हैं, ये देख सकते हो जिसमें PTO है इसके अंदर, ये है और ये हाइड्रोलिक है, इसमें नीचे ट्रॉली जोड़ने के लिंक है, और ये बाकी जो है हमारे कल्टीवेटर हैरो वगैरह जोड़ने के लिए लिंक दिए गए हैं इसके अंदर। तो सर इसका एक अनोखा सा डिजाइन बना गया है बिल्कुल एकदम, ये 2,25,000 रुपये में है, ये देख सकते हो जी इसका बिल्कुल एकदम अनोखा डिजाइन इन्होंने बनाया है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है बागबानी के लिए या ट्रेंच के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कितने CC का इंजन दिया हुआ है सर? इसमें 10 HP का, इसमें 10 HP का इंजन है, इसमें भी 3 स्पीड एक रिवर्स आएगा, हाँ उसे और स्पीड इसकी भी वही होने वाली है 20 से 30 किलोमीटर ही बस रहेगी, है ना। तो इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं कितना कमाल का दिया हुआ है, एकदम लग्जरी लग रहा है, एकदम गाड़ी सी लग रही है बिल्कुल। और ये इसके हाइड्रोलिक है पीछे से जो काम करेगी पूरा, लिफ्ट इसमें रोटावेटर भी चल सकता है, सब चल सकता है, इसमें भी रोटावेटर चल सकता है, और लिफ्ट भी इसके अंदर सेंसिंग वाली लिफ्ट है, सेंसिंग वाली लिफ्ट इसके अंदर दी गई है। और आप देख सकते हैं किसान भाइयों, और आपको ये इम्प्लीमेंट किसी को भी कोई सा चीज़ की जानकारी लेनी है तो मैंने आपको नंबर पहले दिया, आप उस पर नंबर पर संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं, और आपको ये इम्प्लीमेंट कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताना।